पुलिस नशे के कारोबारियों पर लगातार अपना सिकंजा कसती जा रही है, जिसके तहत दिन रात पुलिस नशे के काले कारोबार से जुड़े लोगों पर नजर रखे हुए है, जिसमें सोलन पुलिस को लगातार कामयाबी भी हासिल हो रही है। आज भी पुलिस के हाथ एक युवक और युवती हत्थे चढ़े हैं, जिनके पास से काफी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं। फिलहाल पुलिस ने युवक और युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये युवक युवती करसोग में प्लस टू और प्लस वन कक्षा में पढ़ते हैं। पुलिस दोनों से कड़ी पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये दोनों नशे की खेप कहां से ला रहे थे और इन्हें किसे दिया जाना था। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन शिव कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों छात्र रात के अंधेरे में करसोग जाने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा वह घबरा गए और मौके से भागने लगे। पुलिस को उन पर शक हुआ और जब उनसे सवाल हुए तो वह सब उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाए। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से नशे की खेप बरामद हुई। उन्होंने बताया कि दोनों छात्र दिल्ली से आए थे और रात की बस में करसोग जाने के लिए बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। शिव कुमार ने बताया कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन के रिमांड मिला है। हमारी पुलिस की टीम जब स्प्रून चौक के पास गश्त पे थी तो वहां पे एक लड़का और एक लड़की नशे की हालत में मिले। लड़की जो है वो माइनर है और लड़के का नाम पूछने पे उसने शिवम शर्मा बताया। जो प्राइम ऑफिसी इन्वेस्टिगेशन में आया है ये दोनों स्टूडेंट हैं और लड़का जो है वो बेसिकली करसोग का रहने वाला है, लेकिन ये शिमला में रहता है और शिमला में ही किसी स्कूल में पढ़ता है। उसके बैग की जब तलाशी ली गई तो उस बैग में 960 टैबलेट्स नाइट्रोसन, 7 सीसियां वनरैक्स और 10 सीसियां विनरैक्स जो कि प्रतिबंधित दवाएं हैं वो मिली और उनको जो है इस लड़के को हिरासत में ले लिया गया और इसमें जो है पुलिस ने 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। हम हर एंगल पे इसकी जांच कर रहे हैं, कहां से ये ला रहे थे, किसको ये ले जा रहे थे। इस लड़के को आज इसी कड़ी में आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, जहां से इसको 20 तारीख तक जो पुलिस रिमांड पे भेजा गया है। आगे की तफ्तीश जारी है।